हेलो दोस्तों वेलकम टू कॉमर्स विद कॉन्फिडेंस माय नेम इज अमन दोस्तों आज हम लोग अपने मनी के सेकंड चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं ठीक है जिसका नाम दोस्तों है आपका मीनिंग ऑफ मनी एंड दोस्तों इसमें मीनिंग पढ़ेंगे इसके फीचर्स पढ़ेंगे एंड इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड एवेज को भी पढ़ेंगे ठीक है ना मनी के क्लासिफिकेशन भी थोड़ी बहुत हम लोग इसके अंदर देखेंगे ठीक है तो दोस्तों मनी क्या होता है हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं वॉट इज मनी मनी क्या की है दोस्तों मनी मतलब एक ऐसा सामान है एक ऐसी चीज़ है जिसकी मदद मतलब से हम लोग किसी भी सामान को एक्सचेंज कर सकते हैं मनी आपको हेल्प करता है एक्सचेंज करने में सपोज कि मुझे ये पेन को खरीदना है तो मुझे पेन को खरीदने के पैसा देना पड़ेगा पैसा देंगे तभी मुझे पेन मिल पाएगी तो मनी इज अ कॉमोडिटी मनी एक सामान है जिसकी मदद मतलब से हम लोग दूसरे सामान को परचेज कर सकते हैं तो मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज किसी भी सामान को खरीदने या बेचने की अपने को क्या चाहिए मनी चाहिए मनी एक माध्यम है जिसकी वजह से जिसको यूज करके हम लोग सामान को खरीद या फिर बेच सकते हैं ओके okay? तो दोस्तों मीनिंग ऑफ मनी यहाँ पे देखते हैं मनी का क्या मीनिंग है यहाँ पे ओके okay? तो मीनिंग ऑफ मनी तो दोस्तों मनी की क्या मीनिंग यहाँ पे देखते हैं तो मनी इज एनीथिंग मनी किसी भी चीज को हम लोग बोल सकते हैं मनी हम लोग किसी भी चीज को मनी बोल सकते हैं ठीक है दैट इज दो जो कि जनरली एक्सेप्टेबल होता है एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज जिसको लोग क्या करते हैं सामान को एक्सचेंज करने के इस्तेमाल करते हैं अगर आज के टाइम पे भैया पपीते के पेय के पत्ते को एग्जाम्पल के तौर पे सरकार कहते कि भैया इसको एज अ मनी इस्तेमाल किया जाएगा तो लोग उसको मनी मानने लगेंगे ये बात सच है अगर हमारे देश की सरकार ये कह दे कि भैया पपीते के पे के पत्ते को भैया हम मनी मानते हैं तो आज से वही मनी बन जाएगा मतलब एनीथिंग अगर सरकार ने कह दिया कि ये चीज़ मनी है तो वही से मनी है किसी पेपर को बोल दिया मनी है किसी सिक्कों को बोल दिया मनी है किसी और धातु को बोल दिया मनी है तो वो मनी बन जाएगा तो भैया इसी यहाँ पे एनीथिंग लिखा हुआ है तो मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरी जो कि लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज एंड एट द सेम टाइम सेम टाइम पे वो काम करता है एज अ मेजर वो किसी भी सामान की वैल्यू को नापने का काम करता है एंड स्टोर वैल्यू हम लोग उसमें किसी भी सामान की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं अगर मनी के अंदर ये तीन खासियत है तो भैया उसको किसी भी सामान के अंदर ये तीन खासियत है तो उसको मनी बोल सकते हैं क्या मनी इज एनी वो कुछ भी हो सकता है जो कि जन एक्सेप्टेड हो एज अ होजीन्स ऑफ एक्सचेंज जिसे सामान को एक्सचेंज कर सकें और भैया किसी भी चीज़ की वैल्यू को नाप सके एंड सेम टाइम पे किसी भी सामान की वैल्यू को स्टोर करके कर रख सके जब काम पाएगा तो हम लोग वो सामान खरीद पाए मतलब जब भी हमको कोई सामान चाहिए हम मनी को दें और वो सामान ये पाए तो वो मनी बन जाता है ओके मनी इज एनी

एंड दोस्तों उसके बाद दोगे वॉकर को अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है मनी इज वॉट मनी डज एंड आपके एग्जाम में हार्टे वेदर ऑप्शन नहीं है तो भैया आप लोग किसको टिक करोगे वॉकर को टिक करोगे एंड अगर आपके एग्जाम में वॉकर नहीं है हार्टे वेदर है तो हार्टे वेदर को करोगे दोनों ही ऑप्शन दिया हुआ है

उसको टिक टिकत दोनों ने और ऑप्शन दिया होगा तो उसको देखे ना ठीक है बस यही आपका आंसर था यहां पे ठीक है अब दोस्तों ये जो डेफिनेशन है किसने दी है आपको थोड़ा सा याद करना होगा मनी इज अ कॉमोडिटी विच इज यूज टू डिनोट एनीथिंग मनी कोई भी कॉमोडिटी है जो कि वो डिनोट करते हैं किसी भी चीज को नापने के लिए जो कि वो एक्सेप्टेड है पेमेंट करने के लिए डिस्चार्ज करने के लिए अपने डायबिटीज को जिसको ऑबरेशन ने दिया है अब दोस्तों आईडीआई डेफिनेशन भैया आपसे पूछेगा मनी की आईडीआई डेफिनेशन किसने दी है ये दी है

अब दोस्तों यहां पे देखो इसमें क्या पाना है ऑफ मनी भैया डेफिनेशन बहुत लोग दे देते हैं ठीक है ना तो किसने कौन सी डेफिनेशन दी आपको याद होना चाहिए पता होना चाहिए तो भैया पूछेगा कि मनी की डिस्क्रिप्टिव या फिर फंक्शनल डेफिनेशन किसने दी है पूछ देगा मनी की डिस्क्रिप्टिव या फिर फंक्शनल डेफिनेशन किसने दी है तो आप सबसे पहले ऑप्शन पे टिक करोगे हार्टे वेदर कोलबोन थॉमस ठीक है ना इन तीनों में से आपके पास एक ऑप्शन एग्जाम में आएगा फिर पूछेगा

डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन किसने दी है हार्ट वेदर ने दी हुई है बैसे ये आता है एग्जाम में एंड कॉमन एक्सेप्टेबिल्टिव डेफिनेशन आपकी सहीग मैंने दी हुई है अब देखो यहाँ पे तीन चार डेफिनेशन है तो भैया इसको याद कर लो मैं आपको बता दूँ कि ये भाई जो डेफिनेशन नहीं है ये भाई ये एग्जाम में आ चुकी है ये एग्ज़ाम में आ चुकी है ओके और ये तीनों डेफिनेशन भी एग्जाम में आ चुकी है ये तीनों किसने दी हुई है ऑबर्टसन ने दी हुई है भैया इसको आप लोग याद कर लोगे बहुत इंपॉर्टेंट है ये ठीक है ना तो ये आप लोग पूरा याद करोगे ये बहुत ये भी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम किसने दिए है ने दी हुई है तो यहाँ और ये भी इंपॉर्टेंट है ये तीनों डेफिनेशन भाई इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आई हुई है तो इसको याद करिए ना किसने दी हुई है अब दोस्तों कैटर ऑफ मनी मनी की मनी की फीचर्स तो है पहुएबिलिटी मनी का पहला फीचर क्या है कि ड्यूएबल होता है इसका क्या मतलब है दोस्तों यहाँ पर देखते हैं मनी मस्ट हैव है ड्यूएबिलिटी शुड बी जिसको हम लोग स्टोर कर सकते एंड शुड नॉट बी लॉस्ट इन वैल्यू भैया ऐसा ना हो कि उसकी वैल्यू खत्म हो जाए उसको रखे उसकी वैल्यू ही खत्म हो गई ऐसा नहीं होना चाहिए वो क्या हो सके स्टोर करके रख सके ओवर पीरियड ऑफ टाइम गोल्ड सिल्वर आई दी बेस्ट मटेरियल ये सब क्या है बेस्ट धातु है विच इज यूज विच कैन बी यूज एस मनी जिसको हम लोग मनी के तरह इस्तेमाल कर सकते हैं अब दूसरा है कंसाइजी अब इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है द मटेरियल शुड यूज इन ए क्वाइंट शुड बी ईजिली रिकोगनाइज बाई एवरी वन मतलब कि ऐसे धातु का इस्तेमाल करो जिसको लोग पहचान जाए हाथ में आपके हाथ में अगर सिक्का आएगा ना आंख बंद करोगे तो भी आप उसको पहचान जाओगे क्योंकि आपको पता है कि हाँ ये इस चीज से मनी बन सकती है अगर हम किसी और चीज का सिक्का बना के आपको दें तो आप उसको पहचान जाओगे हाँ भैया ये मनी नहीं है मनी इस धातु का बनता है आसानी से रिकोगनाइज पहचाना जा सके इस धातु से बनाना चाहिए मनी ठीक है ना ये हो गया एंड दोस्तों इट मस्ट बी डिफरेंट डिजाइन एंड साइजेस एंड शुड बी वन ऑफ द गुड क्वालिटी मतलब कि डिफरेंट डिजाइन और क्वालिटी का हो एंड दोस्तों क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए डिविजिबिलिटी द मनी शुड बी कैपेबल ऑफ बींग मनी ऐसा होना चाहिए इसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जा सके जैसे सौ के नोट है तो पचास पचास की दो हो गई बीस बीस की पांच हो गई दस दस की दस हो गई ठीक है ना तो मनी को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जा सके द मनी शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स गोल्ड एंड सिल्वर पोजेस सच क्वालिटी सोने और चाने में क्वालिटी होती है एंड इट कैन बी डिवाइडेड डिडेड इंटू स्म पार्ट है पेपर मनी हम लोग पेपर मनी में भी सेम चीज कर सकते हैं सौ के नोट है पचास पचास की दो हो गई ओके जनरल एक्सेप्टेबिलिटी भैया मनी ऐसा होना चाहिए कि लोग उसको जनरली एक्सेप्ट करें लोग उसको ये ऐसा ना हो कि भैया पैसा तो कहो भैया ये पैसा हम नहीं लेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए पैसा ऐसा हो कि लोग उसको क्या कर सकें आपस में एक्सेप्ट कर सकें

फ्रॉम वन पेज पेज टू अनदर मनी ऐसा होना चाहिए कि आप चाहो तो दस लाख रुपए अपने जेब में लेके कहीं भी जा सकते हो समझा आज के टाइम पे कितना अच्छा है सोचो पोर्टेबिलिटी हो गया होमोजिनिटी मतलब मनी भैया एक जैसा होना चाहिए मानो मेरे पास दस टू सिक्के हैं

पेपर मनी ऑफ डिफ्रेंट डिनोमिनेशन शुड बी सेम क्वालिटी डिजाइन एंड साइज का होना चाहिए ओके okay, ये हो गया अब दोस्तों स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी अब क्या क्या आ आ गया अपना? आ गया अपना okay, ओके ये क्या है कि मनी की जो वैल्यू होती है वो स्टेबल है ऐसा ना हो कि वैल्यू ज्यादा घटे बहे ठीक है ना ओके मनी शुड बी स्टेबल इन वैल्यू बिकॉज इट सर्व एज अ मेजर ऑफ वैल्यू गोल्ड एंड सीवर सच क्वालिटी सोने चांदी में एक खासियत होती है कि ज्यादा वैल्यू उनकी घटती बढ़ती नहीं है दे एक्ट एज ए स्टोर क्योंकि हमको इनकी मदद से सामान को खरीदना है हमने किसी सामान की खरीदने की ताकत को मनी के टाइम में स्टोर करके रखा हुआ है बट गवर्नमेंट प्रिफर पेपर मनी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स चीपनेस गवर्नमेंट क्या कहती है पेपर मनी चूज करती है करती क्योंकि वो चीप होती है सस्ती होती है एंड आसानी से अवेलेबल होती है इट्स वैल्यू इज किप्ड स्टेबल बाय कीपिंग कंट्रोल एंड गवर्नमेंट इसके ऊपर कंट्रोल रखती है इसको इशू जब कहती है ना तो कंट्रोल वे में कहती है यानी कि खूब सारा पैसा इशू कर दे ठीक है कि ये हो गया करेंसी हैविंग स्टेबिलिटी इज

कंटीजेंट फंक्शन है ठीक है ना ध्यान रखना इस बात का तो भैया पैमी फंक्शन है मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज दूसरा है मनी इज मेजर ऑफ वैल्यू तो भैया ये आता है पैमी फंक्शन के अंदर है ठीक है ना इसको इसी के अंदर रखना तो भैया है मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीन दैट इट कैन बी बूज टू मेक पेमेंट फॉर ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मतलब हम लोग इससे आसानी से सामान को खरीदो बेच सकते हैं मनी इज द मेजर ऑफ वैल्यू हम लोग किसी भी जिसको सम... हम लोग यूनिट ऑफ वैल्यू भी बोलते हैं याद रखना इसको हम लोग यूनिट ऑफ वैल्यू भी बोलते हैं मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू मीन दैट मनी वर्क एज अ कॉमन डिनोमिनेशन इन विच वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स हर सामान हर सर्विस की वैल्यू को हम लोग इसमें नाप सकते हैं एग्जाम्पल यूपी इज यूनिट ऑफ अकाउंट इन इंडिया पाउंड इंग्लैंड में है अब मान मान्यो ये कितने रुपए का है पता है ये कितने का है लैपटॉप कितने का है सब चीज की वैल्यू को हम लोग पैसे में नाप सकते हैं ओके okay, ये हो गया अब आता है सेकेंडरी फंक्शन सेकेंडरी फंक्शन के अंदर आता है कि स्टैंडर्ड ऑफ डिफॉल्ट पेमेंट अगर आपको फ्यूचर में पेमेंट करना है तो आप उसको मनी दे सकते हो पार्टनर सिस्टम गया अब मनी आ गया भैया काम करवाया हमने हमने कहा भैया पेंटिंग कर तो पैसा नहीं है एक महीने बाद दे देंगे एक महीने बाद हम पैसा उसको दे सकते हैं क्योंकि पैसा ही देंगे ना वो कहेगा कोई बात नहीं दे देना पैसा ठीक है तो हम लोग फ्यूचर पेमेंट करने के मनी का इस्तेमाल कर सकते हैं भैया ओके मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग परचेजिंग पावर स्टोर वैल्यू हम लोग अपने खरीदने की ताकत को ट्रांसफर कर सकते हैं मान लो कि एग्जाम्पल इसको पढ़े दे पाइए एसेट्स फंक्शन ऑफ़ जिसको हम लोग एसेट्स फंक्शन बोलते हैं क्या बोलते हैं एसेट्स फंक्शन और स्टोर ऑफ वैल्यू बोलते हैं मतलब मीन्स डैट मनी कैन बी यूज टू ट्रांसफर परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर अब मान यो अगर पैसा नहीं होता तो हमको कमोडिटी मनी होती तो सामान के बदले में सामान एक्सचेंज करना पड़ता जरा सामान देते खराब हो जाता अब मनी है मेरे पास तो हमने आज उतना ही सामान खरीदा जितना हमको चाहिए था फिर हमने मतलब आज के खरीदने की ताकत को

टू इक्वाइज मार्जिनल यूटिलिटी एंड दी मैनेजिंग प्रोडक्टिविटी भैया जो सामान प्रोडक्टिविटी हो रही है क्या उससे इतना फायदा हो रहा है कि आप अपना पैसा निकाल पाए हो ये भी मनी के टाइम में ही देखोगे ना मतलब हम इतना मेहनत कर रहे हैं कि हमको उतना पैसा मिल रहा है कि नहीं अगर हमको उतना पैसा नहीं मिलेगा तो हम इतनी मेहनत क्यों करेंगे ये मनी के टाइम में ही हम देखेंगे ना ओके इनकीज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल मतलब कि आपके कैपिटल की प्रोडक्टिविटी बाय रही है कि नहीं अगर आज के टाइम पर हम अगर एक लाख रुपए लगा के मतलब कि हर हर महीने दस हज़ार कमा सकते हैं तो भैया आगे से आए हम एक कगा के दस हजार से ज्यादा ही कमाएंगे कम नहीं कमाएंगे तो ये भी होता है मनी की खासियत फंक्शंस होते हैं हैव टू मेंटेन ई पेमेंट कैपेसिटी अगर मनी आपके पास में है तो अगर आपने उधार के रखा हुआ है तो आप किसी को भी चुका सकते हो टाइम पे पैसा नहीं है तो कैसे उसको ई पेमेंट करोगे दोबारा चुकाओगे ठीक है मनी रिप्रेजेंट जनरलाइज परसेसिंग पावर मनी हमारे खरीदने की ताकत को दर्शाता है पैसा मेरे पास है तो हमारे खरीदने की ताकत मनी के टाइम में देख सकते हैं हम लोग मनी गिव इक्विटी टू कैपिटल मनी है तो हम इक्विड फॉर्म में अगर मेरे पास पैसा नहीं है कोई पैसा मांगने आएगा हम उसको क्या देंगे तो मनी जब होता है ना तो इक्विड फॉर्म में होता है कि मतलब कि भैया हम कभी भी अपने उधारों को टाइम पर चुका सकते हैं ये भी मनी का एक खास फंक्शन है तो भैया अपने को याद रखना प्राइमरी को प्राइमरी में रखना सेकेंडरी को सेकेंडरी में रखना Contingent को contingent में ही रखना ठीक है अब दोस्तों आता है डिसएडवांटेज या फिर ऑफ़ मनी मनी की बहुत सारी डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज एंड एवेज बुराइयां हैं जिसको हम लोग कमियां भी कहते हैं तो भैया यहां पे देखते हैं इनस्टेबिलिटी मनी की वैल्यू हमेशा स्टेबल नहीं आती है हमेशा घटती बढ़ती जाती है भैया देख लो सेवेंटी सेवेंटी वन सेवेंटी फाइव रूपीज का क्या बोलते हैं इतना महंगा डॉ मतलब कि इतना रूपीज दोगे तब आपको एक डॉलर मिलेगा पहले कितना था एक रुपये का एक डॉलर था इसकी वैल्यू को डेपिसिएट डी वैल्यू करते 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 एंड कितना हमारे करेंसी की वैल्यू इंस्टेबल हो गई है घट गई है ठीक है ना तो ये हो गया इंस्टेबिलिटी ग्रेट डिसएडवांटेज ऑफ मनी इज दैट वैल्यू डज नॉट इवेंट इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट नहीं होती है विच क्रिएट इंस्टेबिलिटी इन इकोनॉमी मान लो आज हमने जनवरी के महीने में सपोज कि हमने अमेरिका से कोई सामान खरीदा अमेरिका से हमने ये सौ पेन खरीदी हमको एक पेन मिल गई क्या बोलते हैं भैया दस रुपये की अब भैया हमारी करेंसी की वैल्यू गई गई अब हमको इसी पेन के लिए एक पेन के लिए पंद्रह रुपये देना पाया है सोचो कितना महंगा हो गया तो करेंसी की वैल्यू इनस्टेबल नहीं होती है घटती बढ़ती आती है ओके ये हो गया महंगाई के कारण किसके कारण मह... इन्फ्लेशन और डिफेशन के कारण इनवालिटी ऑफ इनकम हमारे देश में सबके पास में एक बराबर मनी नहीं है किसी की कम है तो किसी की ज्यादा है यह भी बहुत बड़ी समस्या है मनी की मनी थ्रू इज एक्सेसिव यूज एंड इनफेस नहीं इफेक्ट फेस नई वाइडनेस दी इनक्टी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ दिस हैड डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू हैव एंड हैव नॉट एंड हैज टू बिटवीन देम तो भैया इसी के कारण अमी और गरीब हो गए हैं किसी के पास ज्यादा है तो अमी हो गया किसी के पास कम है तो गरीब हो गया तो भैया ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है मनी की समझ में आ गया आपको ठीक है ग्रोथ ऑफ मोनोपोईज यूज ऑफ ऑफ मनी टू वेल्थ इन द फ्यू हैंड मतलब कि जिसके पास में ज्यादा पैसा होता है ना उसके पास में ताकत ज्यादा होती है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वो ज्यादा मजबूत बन जाता है तो ये भी बहुत बड़ी दिक्कत की बात है एंड वो मोनोपोली क्रिएट कर जाता है आज के टाइम पे इंडियन एयवे के पास में मोनोपोली है इंडियन एयरवेज की जियो के पास में मोनोपोली आने वाली है इंटरनेट की भैया अब जियो ही डिसाइड करेगा कि भैया कितने का इंटरनेट दे नहीं दें पहले बोला कि फी में देंगे अब बोले कि भैया पैसा देंगे सबसे वो भी बढ़ा दिया सोचो ये तो गलत बात है भैया क्या बोला था फ्री में देंगे इंटरनेट हम लोग बस कॉलिंग का कॉलिंग भी फ्री में देंगे अब देखो क्या कर दिया कॉलिंग का भी छह पैसा मिनट के हिसाब से काटता है अदर नेटवर्कस के ऊपर ठीक है अब देखो क्या हो गया तो यही तो हो गया ना मोनोपोई जिसके पास पैसा ज्यादा होता है ना वो मोनोपोई क्रिएट कर देता है ठीक है ना ओके अगर मोनोपोई हो जाएगी तो भैया वोयका इसका एक्सप्लॉयटेशन होगा कारण लोग चोरी करेंगे एंड ये सब चीजें होंगी हमारे देश के अंदर ओवर कैपिटलाइजेशन इजी एंड एंडिंग फैसिलिटी मेड पॉसिबल थ्रू मनी मे मेड सर्टेन इंडस्ट्री टू यूज मोर कैपिटल इज रिक्वायर्ड भैया जब पैसा आसानी से अवेलेबल होगा तो बेफायतू का जो लोग को पसंद नहीं भी चीज वो उठा के उसका इस्तेमाल करेंगे और सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ओवर कैपिटाइजन हो जाएगा दिस ओवर कैपिटाइजेशन इन टर्न इज एट इन टू ओवर प्रोडक्शन एंड दी अनुप्लॉयमेंट जब भैया लोग पैसे का इस्तेमाल सही से नहीं करेंगे तो ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा बढ़ जाएगी एंड सोचो मनी के के दिक्कत आई ना कभी-कभी का, लोग कभी -कभी का करते हैं मनी विच बेसिस करते हैं और और मनी मनी जो कि उधार देने इस्तेमाल से ही पैसे से पैसा बनाते हैं क्रेडिट क्रिएशन इफ नॉट मैच बाई इंक्रीज इन प्रोडक्शन इधर इंडिया मतलब सही से उधार नहीं बटा गया क्रेडिट क्रिएट नहीं किया गया तो इकोनॉमी के अंदर महंगाई आ सकती है ओके भैया कुछ लोग क्या करते हैं मनी को होर्ड करके रखते हैं याद ना अभी कितने लोगों के घर में छापा पता है तो दो सौ करोड़ पाया जाता है तो मनी की होर्डिंग कर देते हैं तो इसके कारण भी दिक्कत आ जाती है तो भैया यहां पर देते हैं इन दिस्टिक वर्ड आज की इस बनावटी दुनिया में पीपल गिव इंपॉर्टेंस टू मनी लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं पैसे को माँ बाप से प्यार नहीं करते हैं उनके साथ बैठ के बात नहीं करते हैं फोन में जगे हुए भैया बस ये वो क्या जगा हुआ है कि नहीं जो प्यार आपको मिलेगा वो बाहर आपको नहीं मिल सकता दोस्तों सही काम में इस्तेमाल नहीं करते दिखावे के इस्तेमाल करते हैं ठीक है ना टेन क्लास के बच्चे आईफोन फोन प्रो मैक्स घूम रहे हैं क्या जगह भैया टेन क्लास के बच्चे को एक क्या फोन दे जाने की कोई भी उसकी नीड रिक्वायरमेंट पैसा है चाहे नहीं है उसकी अभी उतने महंगे फोन की रिक्वायरमेंट नहीं है में आपको आई ओके तो इससे होता क्या है मैं स्टार्ट होल्डिंग दू लोग उसको होल्ड करने लगते जमा करने लगते हैं दिस वुड एडवाइस ही अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ इनकम लोगों की इनकम रुक जाती है आउटपुट रुक जाता है एंड इम्प्लॉयमेंट के ऊपर असर पड़ता है जब कोई पैसा इकट्ठा करता है ना तो इकोनॉमी में पैसा कम हो जाता है क्योंकि वो लिमिटेड है तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है ब्लैक मनी अब ये ब्लैक मनी क्या होता है जिस पैसे के ऊपर हम लोग टैक्स नहीं पे करते हैं उसको ब्लैक मनी बोलते हैं द मनी ऑन विच टैक्स इज नॉट पेड इज नोन एज ब्लैक मनी तो भैया मनी ड्यू टू इज द कॉज ऑफ ऑफ ब्लैक मनी इट प्रोवाइड अ पीपुलियंट वे टू इवेड टैक्सेस ये है ना जिस पैसे के ऊपर टैक्स नहीं पे किया गया है भैया बाई जिन्होंने अपनी इनकम को छुपाया हुआ है ब्लैक मनी इन टर्ट इनकरेज ब्लैक मार्केटिंग एंड स्पेक्यूटिव जो काय पैसे से गलत गलत काम करते हैं ब्लैक मार्केटिंग करते हैं ठीक है ना एंड दोस्तों ये बहुत खराब चीज है ठीक है ना द मनी ऑन विच टैक्स इज नॉट पेड इज नोन एज बैक मनी यह नहीं बोलोगे जिस पैसे को गलत तरीके से कमाया गया है वो बैक मनी है याद रखना इस बात को जिस पैसे के ऊपर टैक्स नहीं पे गलत तरीके से कमाओ टैक्स पे कर दो वो वाइट मनी है लेकिन पैसा कमाओ टैक्स मत पे करो वो होती है बैक मनी याद रखना इस बात को फिर पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी कौन है मतलब हमारे देश की जो सरकार है वो कैसे चाहिए है? पैसे से तो चाहिए है। भाई भाई उद्योगपति बिजनेसमैन सरकार को लोन देते हैं पोलिटिकल देते हैं ठीक है तो वाइड इन दी बिजनेस एक्टिविटी कॉज मनी में ये टू वाइडिटी स्टेबिलिटी दिस में इधर इन देंज ऑफ गवर्नमेंट हमारे देश के कुछ बिजनेस होते क्या है कि पोलिटिकल पार्टी को कंट्रोल करते हैं उनको फंड प्रोवाइड करके ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है मनी का मॉय एंड दी एवं हमारे देश में नैतिक और सामाजिक

तो ये था आपका पूरा चैप्टर एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही डिटेल नोट्स है आपको बहुत हेल्पफुल करेगा आपको जितना मैंने बताया उतना ही एग्जाम में आएगा अलग से पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है ठीक है तो टॉपिक यहाँ खत्म करते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मनी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है इसको भी हम लोग एक चैप्टर में खत्म कर देंगे ठीक है वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना एंड दोस्तों क्योंकि आपकी कंप्लीट तैयारी हम लोग करवा रहे हैं ठीक है एंड आपके दोस्तों ने या फिर किसी ने कोर्स नहीं परचेज किया तो उनको बोलना कि हम लोग से लगातार आए बहुत ही बेहतरीन इधर प्रोवाइड कर जाए इस कोर्स करने उनको बेनिफिट जरूर होगा एंड वो लोग अपने एंट्रेंस को क्वालिफाई कर पाएंगे मिलते अपने नेक्स्ट क्लास में थैंक यू सो मच